अस्सलाम वालेकुम चुगताई जान, खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक फैंसी स्कार्फ लेकर आई हूँ। और पहले मैंने आपके लिए एक सिंपल स्कार्फ बनाया था, जो आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है वीडियो को, इसलिए मैं अब फैंसी स्कार्फ लेकर आई हूँ आपके लिए। हमारी बहुत सी बहनें और बच्चियाँ यही पहनती हैं बाहर आने जाने में, तो इसलिए मैंने इसको फैंसी बनाया है कि आप इसको कहीं आने जाने में भी पहन सकती हैं। आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। ये हमने ये कपड़ा लिया है, ये मैं बच्ची का बना रही हूँ, इसलिए ये कम कपड़े में भी बन जाएगा। ये कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है क्योंकि ये और ये भी बनता है, और छोटी बच्ची का बनाना है तो एक में भी बन जाएगा, लेकिन 1.5 तो चाहिए ही होता है। हमने ये कपड़ा लिया है, इसको हम और भी कर लेंगे, ये इस तरह मोड़ लेंगे। इसको मैंने निशान लगा के रखा है। इसमें हम इसमें झालर लगाएंगे। पहले जो मैंने स्कार्फ बनाया था उसमें झालर नहीं लगाया था और बिल्कुल सिंपल बनाया था। इसमें मैं नीचे झालर लगाऊंगी, इसलिए ये हिस्सा हमें थोड़ा कम रखना है। इसकी पूरी लेंथ हमारी ये 20 इंच है, जिसमें से हम 5 इंच ये ऊपर से काट देंगे, तो ये हमारी 15 इंची रह जाएगी। और फिर हम उसमें झालर लगाएंगे, नीचे यहाँ झालर लगा देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ये तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा गोल कट गया है। इसमें हम लगाएंगे झालर, ये बड़ा भी होगा इससे थोड़ा सा, और ये फैंसी हो जाएगा, खूबसूरत लगेगा। इसमें बेल लगाएंगे और ये मैं 5 से 6 साल तक की बच्ची का बना रही हूँ ये इसका। आइए हम इसकी सिलाई की तरफ करते हैं और 10 मिनट में आपको हम सी के ही दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें झालर लगाएंगे नीचे, ये हमने झालर की पट्टी तैयार करके रखी है। इसमें हम झालर लगाना शुरू करते हैं। ये नीचे का हिस्सा है, इसमें हम सबसे पहले ये फ्रिल लगाएंगे। ये हमने सबसे पहले इसमें झालर लगाई है, अब हम इसके ऊपर ये डोरी लगाएंगे। अभी झालर के ऊपर हम ये डोरी लगाएंगे। आप इसको जितना चाहे फैंसी बना सकते हैं, इसमें चौड़ी बेल भी लगा सकते हैं आप, जो भी आपके माइंड में आता है कि हम किस तरह से इसको फैंसी बना सकते हैं तो आप उसको बनाएं। इसमें मैं ये पतली डोरी लगा रही हूँ। झालर लगा लिए हमने, इसके ऊपर डोरी लगा ली है। हम इसको पहले बीच में से सी लेंगे, ये छोटा सा यहाँ से ये छोड़ के हिस्सा, आप इसको जो आपका साइज रखना है आपको उसके हिसाब से ये इस 4 इंच में यहाँ से छोड़ दूँगी और इसको बाकी में ये सी लूँगी। और ऊपर एक छोटा सा हुड लगता है, वो मैं हुड आपको अभी काट के दिखाती हूँ। इसमें एक छोटा सा हुड लगेगा, ये है वो हुड, ये हुड भी और ये भी होता है। इसको बस वैसे काट के यहाँ से हमने जो इसका साइज़ हमारे ये ऊपर का साइज़ होता है ये इसके बराबर आप इसको रखेंगे। और यहाँ से आपको जितना रखना है, ये हुड मैं इसको कम से कम 5 इंच रखूँगी यहाँ से, ये देखिए 5 इंच रखेंगे हम इसको। और बाकी हमारा ये ऐसे ना पेगा, ये ऐसे हमारा 10 इंच होगा, तो हम ये 10 इंच पे निशान लगा के और इसको काट लेंगे, हुड लगाएंगे और हम ये आगे का सीएंगे तो ये तैयार हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हम आगे का हिस्सा सी लेते हैं। ये जो आगे हमने 4 इंच का 5 इंच का ऐसे आगे खुला हुआ छोड़ा था, इसको हम मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। ये हमने उसका हुड काट लिया,
हम इसको यहाँ से बस इसको पकड़ के और इसको इसमें जोड़ना शुरू कर देंगे। आप बीच में निशान लगा लें पहले, थोड़ा सा कट का निशान लगा के, और इसमें भी निशान लगाएंगे हम। अब इसको हम यहाँ से जोड़ लेंगे, निशान लगाया था हमने बिल्कुल यहाँ आ गया इसके निशान। ये हमने हुक जोड़ लिया इसका। अब हम इसके ऊपर यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। ये इसका अब तैयार हो गया है। और आप इसमें चाहें तो ये इसकी झालर को और चौड़ा भी कर सकते हैं, ये अपने साइज़ के हिसाब से आप जैसा रखना चाहते हैं। और इसको और फैंसी बनाने के लिए आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताए थे, ये पहले सिखाया था क्रोएशिया से शीशे किस तरह फिट करते हैं, ये मैंने बनाए हैं। आप इसमें ये भी लगा सकते हैं, इसको चिपका लें या टाँक लें, जैसे भी आपको सही लगे। ये इसको जिस तरह फैंसी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस काफी ये बनाया है मैंने। ये मैंने डोरियां बनानी बताई थी आपको, वही डोरी मैंने इसमें लगाई है। पहले वीडियो में आपने देखा होगा, ये डोरी मैंने बनाई थी। आपने वीडियो में देखा होगा पहले कि ये शीशे के मैंने क्रोएशिया से आपको ये रिंग बनाने बताए थे, वही मैंने शीशे लगा के इसमें लगाए हैं। इसको आप चिपकाएं या टाँक लें, इसको टाँक लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने आपको सिर्फ रख के दिखाए हैं ये। और इसको और फैंसी करना चाहते हैं आप, और चौड़ी बेल लगा लें इसमें, ये सितारे लगा लें, ये जितना आप चाहें इसको फैंसी कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत लगेगा, ये देखें इस तरह सितारे टाँक लें इसमें। ये स्कार्फ हमारे तैयार हो गए हैं। ये बहुत आसान है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ।